स्कर्दू से आगे अभी ये सस्सी का एरिया आ गया है, गाड़ी पर हमने यहाँ पे लगा दी है फिलहाल, और यहाँ पे कोई चाय शाय पता कर रहे हैं, चाय शाय पीते हैं फिर आगे ऊपर निकलेंगे। ये नीचे जा रहा है जी दरिया को, ये बह रहा है, होय होय होय, यहाँ से आके देखें कितना तेज हो जाता है, कितना वो देखें कैसा उछल रहा है पानी, देख रहे हैं फुल टाइट पानी उछल रहा है। यहाँ से देखें थोड़ी सी जो लाइन्स दिख रही हैं पहाड़ में, ये ट्रैक जा रहा है, धूप इतनी हाथ काले हो गए हैं, बहुत तेज़ धूप है, हाथ जला रही है। तो यहाँ से बता रहे हैं सस्सी है ये, और होटल वालों से पूछे बता रहे हैं यहाँ से ऊपर फिर रास्ता जाएगा हरामोश को। बाकी स्कर्दू का रोड की सूरत हाल यही है कि ये रोड अभी बन रहा है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा कच्चा भी है थोड़ा थोड़ा। और क्या हुआ खाने का, तो क्या करना है अभी 12 ही बजे, देखते हैं पापा से पूछे, आगे हो सकता है खाना ना भी मिले नहीं मिलेगा ज़्यादा। अच्छा बाल, कुछ जगहों पे ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि कोई पैच वर्क हो रहे हैं जिसकी वजह से रोड कच्चा है, बाकी ओके है, रोड बन रहा है, बीच में ये कच्चा डामर भी पड़ा हुआ है, गाड़ी में लगेगा आपकी वो, अगर ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसका दुआइए। बंदा ही नहीं है यहाँ पे, वो कट कट, अच्छा बैठा हुआ है, नहीं जाने दें, बैठा है बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी थोड़ी सी। जी बोलो सर, हमने जो ना ऊपर खलतरो खलतरो और हरामोश की साइड पर ना, तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा वहाँ का? खलतरो इससे गाड़ी का लगेगा, गाड़ी में कम से कम आपका 1.5 घंटा लगेगा, फिर उधर से आगे तो पैदल चलना पड़ेगा आपका। वो मैंने नेट पे देखा था एक ऐसा रास्ता आता है जिधर इधर भी खाई है इधर भी खाई है, बीच से ऐसे पतली सी रोड, ये तो इधर सामने ही इधर। अच्छा अच्छा, कह रहे 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा खंतरो तक। सर हम आगे फिर गाड़ी नहीं जाएगी, आपको ट्रैकिंग तो हमने हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, नेट पर तो हम देख रहे हैं ना, दूसरा रास्ता भी है किधर सिद्धार्थ पर भी जा रहा है, वो ज्यादा दूर है, एक ही रास्ता है बस, मुड़ना कहीं नहीं है इधर उधर, नहीं इधर से मुड़ना है वो अलग है, एयरपोर्ट वाले का अलग रास्ता है। अच्छा, कोटवाल लेक लेक तक गाड़ी जाती है? नहीं नहीं नहीं, पैदल सो तक जाएगी उधर, फिर आपको लगेगा 12 घंटे का पैदल सफर। ओए होए 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 होए, अच्छा तो यानी हमने दासों वाले पर नहीं जाना, दासों वाले पर आपको मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके हमने कौन से रास्ते पर? अच्छा एक पुल ये है ना, एक आगे दूसरा पुल आएगा जी जी, इधर से ये पहाड़ के अंदर से रोड खत्म है, आगे जाकर मोड़ो दूसरा मोड़, एक नीचे से जा रहा है, वही नीचे नहीं जाओ आप ऊपर ऊपर जाओ, ये जो ऊपर पुल नजर नहीं आ रहा है जी जी जी, उसी से रास्ता इधर मोड़ है। अच्छा, आप उधर जाओ, उधर से आगे थोड़ा आगे जाके फिर वही होगा जो दोनों साइड से खाई है, इधर से गाड़ी उधर। हां वही जो एरिया है, वो है ना ऐसा लंबा सा जो जाता है, वो ये पुल से थोड़ा आगे ही। अच्छा अच्छा, गाड़ी चली जाएगी आराम से, ये फोर व्हील है, फोर व्हील आराम से, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ऑटो जाएगी ना, कितने बंदे? 4 बस, धक्का मार लेंगे कहीं, कोई मसला ही कोई नहीं। खाना आ चुका है और यहाँ पे अभी हम एक कमरे में बैठे हैं और खूब यहाँ पे बाहर बह रहा है पानी तेज, VIP रमज़ान खान भी आ गए, साथ हमारी आ गई है दाल माश, ये बैठे हैं रमज़ान खान, नवीद भाई, पापा, मैं और हम सब अभी खाने लगे हैं खाना। जी हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तंदूरी रोटी है नान टाइप, और ये दाल है स्पेशल दाल, और ये हम लोग अपने घर से अंडा फोबिना बना कर लाए थे तो वो खा रहे हैं, इसके बाद फिर हरामोश का ट्रैक स्टार्ट होगा, तो हमने कहा पहले इधर रुक के खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जनाब इधर होटल पे हमने खाना वगैरह खा लिया है,
और अब बज रहा है पौने एक बजे हम ये सस्सी के होटल से चल रहे हैं हरामोश वाले ट्रैक के लिए। एक बार तुलसी तो दो। मैं गाड़ी खड़ी है ना। हाँ, वहाँ से ऊपर चढ़ना है। ये नाला आ रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस। सी लेवल ये है। क्या लिखा था? हिस्ट्री लिखी है। रुको। 0.1 mm MW हाइडल पावर स्टेशन हरामोर मार्च 2007। जाने ना जाने ना पीछे। It is located called Sankhaba Sangichu, which means the Loin River. It rises from Gangiri or Kailash range of Tibet. ये सारा कुछ लिखा है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। बहुत पिक्चर में